नगर निगम के नवनिर्मित सदन भवन एवं आईटीएमएस कार्यालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकार्पण करेंगे, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वप्रथम नगर निगम में 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद नवनिर्मित सदन भवन के सामने स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा उसके बाद नगर निगम के नवनिर्मित सदन भवन, जिसकी लागत 525 करोड़ है, उसका लोकार्पण करेंगे तथा साथ ही अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उसके बाद आईटीएमएस कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण तथा उद्घाटन करेंगे तथा सफाई कर्मियों की, जो मेधावी छात्र छात्रा हैं, उनको लैपटॉप देंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारी सभी उत्साहित हैं। आईटीएमएस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चालान जनरेट होगी, जो गाड़ियों के मालिक के मोबाइल या मेल पर डायरेक्ट चालान को भेजा जाएगा। इसके अलावा आईटीएमएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, जो गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में सुविधा दी जाएगी तथा शहर के कई इलाकों में वाईफाई की सुविधा देने की तैयारी है। उन्होंने बताया अभी 9 चौराहों पर इसे चालू किया गया है तथा जनवरी के अंत तक महानगर के 21 चौराहों पर चालू हो जाएगा। उन्होंने गोरखपुर वासियों से अपील किया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, चालान कटने से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईटीएमएस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर विजेंद्र कुमार और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार है, मैं कंपनी का ऑपरेशन हेड हूँ, इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आईटीएमएस प्रोजेक्ट में बहुत सारे सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे हैं, इसमें आपका ट्रैफिक सिग्नलिंग भी है, आपको ट्रैफिक वायलेशन सिस्टम से रिलेटेड चलान की भी सुविधा की गई है। चलान में ऐसा है कि ऑटोमेटिक चलान जनरेट होंगे, जो रजिस्टर्ड नंबर, जो रजिस्ट्रेशन होगा गाड़ियों के, उनके ऑनर्स के नंबर पे, मेल पे डायरेक्ट चलान को भेजा जाएगा। इसके अलावा इस आईटीएमएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, जो गोरखनाथ मंदिर प्रिमाइस मेला वगैरह को कंसिडर करते हुए वहाँ लगाया जा रहा है। फिर रामगढ़ ताल एरिए को कवरअप किया गया है वाईफाई जोन से, और एक और यूनिवर्सिटी के एरिया को कवरअप करना है, चूँकि वो हमारा नेक्स्ट फेज में डिप्लॉयमेंट होगा। इसके अलावा हर चौराहों पे इमरजेंसी कॉल बॉक्स की सुविधा दी गई है, जो वीमेन सेफ्टी और सिटीजन सेफ्टी को काफ़ी प्रोत्साहित करता है कि अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है किसी भी चौराहे के आसपास जंक्शन पे, तो इमरजेंसी कॉल बॉक्स पे जाके इमीडिएट कंट्रोल रूम से जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है और रियल टाइम में बातचीत की जा सकती है और अपने प्रॉब्लम को बताया जा सकता है। फिर कंट्रोल रूम से हम कॉल्स को डाइवर्ट करते हैं या पुलिस टीम को डिस्पैच करवाएंगे उस हिसाब से। सर अभी तक कितने चौराहे चिन्हित हैं? अभी 21 चौराहे चिन्हित हैं, जिसमें से 9 चौराहों पे काम हो चुका है,
और जनवरी के अंत तक ये सारे चौराहे 21 के 21 चौराहे आपको चालू हो जाएंगे। कितने चौराहे चालू हो चुके हैं? 9 चौराहे अभी चालू हो चुके हैं, वो ऑपरेशनल है। कंट्रोल रूम हमारा यहाँ नगर निगम के नए नवनिर्मित भवन में बना है, जिसका इंटीग्रेशन फील्ड से सबका फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया जा चुका है। जी यहाँ पे ऑपरेटर की बैठाने की सुविधा है, जो कंपनी प्रोवाइड करेगी, अगले 5 साल तक मेंटेन करेगी खुद कंपनी। उसके साथ साथ पुलिस के नोडल ऑफिसर्स, पुलिस के कंट्रोल रूम इंचार्ज वगैरह भी यहाँ बैठेंगे, जिनको वॉकी टॉकी और ये सब की जो पुलिस की अत्याधुनिक व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। गोरखपुर वासियों से यही अपील है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें, चालान से बचें। ट्रैफिक नियम पालन करने से क्या है, सबको सुविधा है, सबको बराबर ये मिलने का सुविधा मिलेगी। और चालान से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सबको सुविधा दें। जैसा कि आपके संज्ञान में है, नगर निगम गोरखपुर का नवीन जो भवन है वो बनकर तैयार हो गया है, और कल दिनांक 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शाम 5 बजे इसका लोकार्पण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कार्यक्रम में आएंगे तो सबसे पहले वो जो हमारी 15 इलेक्ट्रिक बस हैं उनके परिचालन को हरी झंडी दिखाएंगे। तत्पश्चात वो अंदर आकर परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पूर्णतया धार्मिक रीति से पूजा अर्चना करने के बाद वो अंदर जाएंगे। नई बिल्डिंग के जो मुख्य द्वार पर लगे हुए पत्थर पर लगे हुए कपड़े को हटाकर इस भवन का लोकार्पण करेंगे। तत्पश्चात वो नगर आयुक्त के नवीन चैम्बर, अधिकारियों के मीटिंग हॉल का निरीक्षण करते हुए ITMS कंट्रोल रूम में जाएंगे। वहाँ पर निरीक्षण करने के पश्चात, उद्घाटन करने के बाद वो नवीन सदन भवन में जाएंगे और वहाँ पर सम्मानित पार्षदगण उनका स्वागत करेंगे और माननीय जी उन्हें संबोधित करेंगे। तत्पश्चात वो मेयर साहब के कक्ष में जाकर अल्प विश्राम करके वापस नीचे मुख्य स्टेज पर आकर वहाँ पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देंगे, जिसमें कि वो जो सफाई कर्मियों की बेटियां हैं, मेघावी बेटियां हैं, उनको लैपटॉप देंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को विशेष पुरस्कार देंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थियों को चाबी देंगे। इस प्रकार की कई योजनाओं के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है लगभग 525 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं को उनका शिलान्यास एवं लोकार्पण बटन दबाकर किया जाएगा और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। उद्बोधन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक निरीक्षण करते हुए नगर निगम को आगे किस दिशा में कार्य करना है उसके संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है और निश्चित रूप से ये जो नया भवन बना है, नया हॉल बना है और उसके ठीक पोर्टिको के सामने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, ये निश्चित रूप से एक पूरे शहर के विकास में एक माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विजिट को लेकर पूरे नगर निगम अधिकारी कर्मचारी बहुत ही सभी उत्साहित हैं, लोगों में बहुत ही अच्छा एक हर्ष का माहौल है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो लोग मिलकर नगर निगम को एक नई ऊँचाई पर ले जाएंगे।